प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि नए साल में बच्चों को आज से कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला से वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि अम्बाला के SD कॉलेज में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और 3 जनवरी सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जानी थी। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के मुताबिक 3 जनवरी से वैक्सीनेशन के प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला से वैक्सीनेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि SD कॉलेज में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 3 जनवरी सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन के प्रक्रिया की शुरुआत होनी थी। तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाएगा। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि नए साल में बच्चों को आज से कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला से वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि अम्बाला के SD कॉलेज में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और 3 जनवरी सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जानी थी। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के मुताबिक 3 जनवरी से वैक्सीनेशन के प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अम्बाला से वैक्सीनेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि SD कॉलेज में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। 3 जनवरी सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन के प्रक्रिया की शुरुआत होनी थी। तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाएगा।